दोस्तों ये फौजी 3 दिन से इसी पोजीशन में खड़ा हुआ है क्योंकि इसके पैर के नीचे एक माइन है। अगर ये वहाँ से हिला तो ये अपने साथी की तरह फट जाएगा। जब इसका पैर माइन पर आ जाता है तो ये बड़ी तेज से चिल्लाता है और रोने लगता है। इसका साथी माइन की वजह से मर चुका है, इसलिए इसे खुद ही जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ देर बाद यह अपना दिमाग शांत करता है, फिर यह अपने घुटनों को नीचे कर लेता है और बैठने लगता है, जिसके बाद यह माइन को नीचे से निकालने लगता है। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि माइन बहुत नीचे दबी होती है। जिसके बाद यह चारों तरफ देखता है और इसे याद आता है कि इसके साथी के पास बैग में एक रेडियो है। जिसके बाद यह अपने जूते के फीते को निकालने लगता है, फिर यह उसमें अपने पास रखी कुल्हाड़ी को बांध लेता है। अब जब यह उसे फेंकता है तो यह गिरने ही वाला होता है, लेकिन यह अपने आप को संभाल लेता है और खड़ा हो जाता है। अब ये बैग को खींचने लगता है, फिर रेडियो को लेकर हेडक्वार्टर में कॉल कर देता है। लेकिन हेडक्वार्टर से रिप्लाई आता है कि वो 50 घंटों के बाद ही आ पाएंगे क्योंकि वहाँ एक विशाल सैंडस्टॉर्म आने वाला है। फौजी अपने चारों तरफ देखता है और कहता है, सर प्लीज जितना जल्दी हो उतना जल्दी आने की कोशिश करें। तभी रेडियो अचानक बंद हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी लो हो गई होती है। अब फौजी के पास कोई रास्ता नहीं बचता है इंतजार करने के अलावा। तभी अचानक फौजी की नजर आते हुए सैंडस्टॉर्म पर पड़ती है, जो बड़ी तेजी से उसी की तरफ आ रहा होता है।